हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, ये मेरे सामने जो एसी देख रहे हैं फ़िलहाल चालू है, और इसमें हो क्या रहा है कि इंडोर भी चालू है, आउटडोर भी चालू है, गैस भी है, लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा है। आप देख पा रहे हैं एसी चालू है, और मैं इसमें गैस भी दिखा देता हूँ आपको कि इसमें गैस भी है और फिर भी एसी चालू नहीं हो रहा है, यानी कूलिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है। एसी तो चालू है, कूलिंग नहीं हो रहा है। आप ये देखिए, इसका जो बैक प्रेशर है जो 60-70 तक होना चाहिए, ये स्टैंडिंग प्रेशर में आ गया है। स्टैंडिंग 120 दिखा रहा है। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये हो गया है कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है, और कंप्रेसर नहीं चल रहा है जिसके वजह से ये क्या है कि इसका जो बैक प्रेशर है 120 चला गया है, स्टैंडिंग प्रेशर दिखा रहा है, और इंडोर भी चालू है, आउटडोर भी चालू है, जबकि इसमें आप देखिए वो गैस भी है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आइए एसी के बारे में पता करें, ओपन करके चेक करें कि आखिर क्या जला हुआ है, किस वजह से कंप्रेसर नहीं चल रहा है। कंप्रेसर ना चलने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, जैसे कैपेसिटर ख़राब हो गया हो, कंप्रेसर का टर्मिनल जल गया हो, या तो कंप्रेसर ट्रिप मार दिया हो। अभी गर्मी का टाइम है दोस्तों, तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रहे हैं कि कंप्रेसर चलने के बाद ट्रिप हो जाता है, यानी कुछ टाइम चलता है, उसके बाद से कंप्रेसर बंद हो जाता है और केवल पंखा चलता रहता है। तो इस टाइप का अभी प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपके घर पर एसी लगा हुआ है, इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, तो एसी चालू करने से पहले उसके आउटडोर कंडेंसर पर एक बाल्टी पानी ज़रूर मार दें, और कभी भी 16-17 डिग्री पर एसी आप बिल्कुल भी ना चलाएं गर्मी के टाइम में। अगर आप चाहते हैं कि हम 16-17 डिग्री पर एसी चालू करेंगे तो ज़्यादा कूलिंग होगा, दोस्तों आपके कंप्रेसर को रेस्ट नहीं मिलेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आपका क्या होगा, एसी ब्लास्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है, कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। तो आप 22-23 डिग्री पे करके ही एसी को चालू करें। तो आइए फ़िलहाल इस एसी के बारे में चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, इसका कैपेसिटर में थोड़ा सा आयल आया हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से आयल निकला हुआ है, लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लगता है कैपेसिटर सही है। और एक कॉन्टैक्टर को मैंने होल्ड किया, जब पुश किया तो कंप्रेसर नहीं चल रहा था, केवल पंखा चल रहा था। तो मुझे डाउट है कैपेसिटर के ऊपर, तो एक बार इसको लेते हैं, अगर उसके बाद भी नहीं चला तो फिर चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कैपेसिटर नया चेंज कर दिया हूँ दोस्तों, यही पुराना कैपेसिटर है जो कि यहाँ से आयल निकला हुआ है। ख़राब तो नहीं बोला जा सकता है, गर्मी की वजह से थोड़ा निकल जाता, लेकिन फिर भी मेरे को डाउट था, तो मैंने कैपेसिटर चेंज कर दिया हूँ। अब एक बार कॉन्ट्रैक्टर को पूछ करके देख लेते हैं कि हमारा कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ से पावर ऑन कर दें, पावर ऑन करने के बाद एक बार इसको पूछ करते हैं। दोस्तों, अभी भी कंप्रेसर नहीं चला है, अभी भी कंप्रेसर चालू नहीं हुआ, यानी लगता है कि कंप्रेसर ओवरहीट हो गया है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। गर्म होने की वजह से ये ट्रिप मार दिया, तो इसको पानी से ठंडा करना पड़ेगा। तो आगे का बॉडी ओपन करते हैं और फिर कंप्रेसर को थोड़ा ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद ही चालू करके देखना पड़ेगा। दोस्तों, इसका कंप्रेसर ओवरहीट है, जब मैं इसको कंप्रेसर को टच करके देखा तो कंप्रेसर काफ़ी ओवरहीट है, इसके वजह से कंप्रेसर ओवरहीट होकर ट्रिप हो गया है। और इस ये पहले यहाँ पे रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ था, रोटरी कंप्रेसर को निकाल के ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर किसी ने लगाया है। फिलहाल ये भी सही है, लगा सकते हैं, ये भी चलता है, लेकिन ये हो क्या रहा है, किस रीजन की वजह से ट्रिप हो रहा है, इसको ठंडा करने के बाद ही मालूम चलेगा। इसको ठंडा करके उसके बाद से एसी चालू करके इसका इस गैस का बैक प्रेशर चेक करना पड़ेगा। बैक प्रेशर भी अगर एसी का गैस कम रहेगा तो ट्रिप हो सकता है, अगर ज़्यादा भी रहेगा तो ट्रिप हो सकता है, कैपेसिटर ख़राब होगा तो ट्रिप हो सकता है, बहुत सारा रीज़न है ट्रिप होने का। तो पहले इसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, कंप्रेसर ओवरहीट होने की वजह से ट्रिप हुआ था, जिसके वजह से अब मैं इसमें पानी मार रहा हूँ। अब देख पा रहे हैं, इसको कम से कम 10 से 15 मिनट मारना पड़ेगा, तभी जाके ये ठंडा होगा। ये रोटरी कंप्रेसर क्या होता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है,
ये जल्दी से ठंडा नहीं होता है, इसमें काफ़ी टाइम तक पानी मारना पड़ता है। तो फिलहाल अभी मैं पानी मार के इसको ठंडा कर रहा हूँ, और जैसे ठंडा हो जाएगा मैं एक बार चालू करके चेक करूँगा। वैसे तो कंप्रेसर चलना चाहिए, फिर भी चेक करूँगा, अगर चल गया तो कुछ गैस का प्रॉब्लम या तो कुछ अलग प्रॉब्लम हो सकता है, वो मैं बाद में बताता हूँ दोस्तों। पहले इसको ठंडा कर लूँ दोस्तों। कंप्रेसर को ठंडा करके उसके बाद से आगे का बॉडी लगा दिया हूँ। अब आइए एक बार आइसोलेटर को ऑन कर लेते हैं। आइसोलेटर को ऑन जैसे करेंगे हमारा आउटडोर चालू होगा, अगर कंप्रेसर सही होगा तो चालू हो जाएगा। अब देखते रहिए, एक से चार पाँच सेकंड लगेगा चालू होने के लिए। ऊपर का पैनल अभी ओपन है, चालू होने के बाद मैं लगाऊंगा। अब देख पा रहे हैं दोस्तों चालू हो गया, और इसका साउंड भी अलग टाइप का आ रहा है, और यहाँ पे 15-16 एम्पियर ले रहा है दोस्तों। ये ऊपर का पैनल कवर करना पड़ेगा, नहीं तो हाई एम्पियर में चला जाएगा दोस्तों। फुल बॉडी मैंने टाइट कर दिया है, कंप्रेसर भी चालू हो गया है, एम्पियर भी 13 एम्पियर का मशीन है, ये 13 एम्पियर का मशीन है, 13 एम्पियर ले भी रहा है। और मैं बैक प्रेशर दिखाता हूँ, इसका बैक प्रेशर 70 से थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, मुझे थोड़ा सा गैस निकालना पड़ेगा क्योंकि एम्पियर भी 13.67 जा रहा है। थोड़ा सा हम गैस निकाल देंगे, 70 कर देंगे, हमारा एम्पियर भी बराबर हो जाएगा। और फिलहाल एसी चालू हो गया है। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम था, किस रीजन की वजह से कंप्रेसर ट्रिप हो रहा था, तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसका जो कैपेसिटर था, क्योंकि ऑयल भी निकला हुआ था और थोड़ा भी लूज कैपेसिटर हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा जो कंप्रेसर है वो ट्रिप हो सकता है, कूलिंग नहीं करेगा। तो फिलहाल अभी ये अच्छा सा चलने लगा है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।